हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RP999TLM। आज का जो हमारा TLM है वो संज्ञा पर आधारित है। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वो भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के पांच भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक ही वस्तु का बोध कराने वाले नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, हिमालय, दिल्ली, महात्मा गांधी आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जाति भर का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, फल, घोड़ा, पेड़, नदी आदि। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूह या झुंड का बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे संग्रह, कक्षा, सभा, कोष, समाज, बारात, झुंड आदि। जो चौथा है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तोली या मापी जाने वाली वस्तुओं के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे चावल, दूध, घी, पेट्रोल, गेहूं आदि। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। गुण, धर्म, भाव, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आशा, हर्ष, उत्साह, प्रणाम, प्रयास, सुंदरता आदि।